नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। रोहतास जिला में एक साथ 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले, इसी के साथ जिला में संख्या बढ़कर 91 हो गया। बिहार में कोरोना संक्रमण के नए मामले की सुनामी देखने को मिल रही है। रविवार का दूसरा अपडेट के अनुसार 58 नए केस सामने आने के बाद अब बिहार में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1200 से भी पार हो गया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी किए गए दूसरा अपडेट में एक साथ 58 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद आंकड़ा बढ़कर 1251 पहुंच गया है। वहीं रोहतास जिला की बात किया जाए तो पहला अपडेट के अनुसार जिले में आज एक साथ 14 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मैं आपको बता दूं कि रविवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए पहले कोरोना अपडेट के अनुसार 15 नए मामले की पुष्टि की गई है। उनमें 14 रोहतास से हैं और एक पटना के पटेल नगर का कोरोना के नए मरीज की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस के 15 नए मरीजों में 4 महिलाएं हैं। पटना के पटेल नगर में 28 साल की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। रोहतास के सासाराम के साथ साथ शिवसागर, चिनारी, नासरीगंज और करघर के नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ रोहतास जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। हालांकि इस बीमारी से रोहतास जिले में 45 लोग ठीक हो चुके हैं और एक की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में लोकल न्यूज 24 आप सबों से अपील करता है कि आप लोग घर में ही रहें और सुरक्षित रहें, बेवजह सड़कों पर इधर उधर न घूमें। खासकर तिलौथू प्रखंड वासियों से अपील है। धन्यवाद।